Good morning students Priyanka Sharma this side um, today I'm going to continue this chapter chapter 16 moisture and uh, the constituent of air in the last video we have discussed about many uh, things about the water vapor condensation uh, and what are the factors that affect evaporation so we have discussed and also we have discussed about the water cycle and uh, now I'm going to continue the chapter uh, मेन टॉपिक इट वॉज़ कंडेंसेशन एंड वी हैव डिस्कज अबाउट कंडेंसेशन कंडेंसेशन क्या होता है जब इवेपोरेशन होने के बाद जो एयर होती है मॉइस्ड एयर होती है वो इकट्ठी होकर वाटर वेपर इकट्ठा होकर एक क्लाउड की फॉर्म में आ जाता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो हायर लेटिट्यूड में ज़्यादा होता है देन द लोअर लैटिट्यूड्स मतलब जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कंडेंसेशन जनरली ज़्यादा होता है तो कंडेंसेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्नोफॉल को स्नोफॉल अगर्स वैन द टेम्परेचर ऑफ एयर गोज़ बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट स्नोफॉल कब होगा जब टेम्परेचर जो है हवा के हवा का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाए मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर होता है जीरो डिग्री से नीचे अगर जीरो डिग्री से नीचे चला जाता है तब स्नोफॉल होता है एट दिस स्टेज द वाटर वेपर इन द एयर जो हवा के अंदर वाटर वेपर है वो क्या होती है वाटर वेपर कंडेंसेस डायरेक्टली इंटू आइस क्रिस्टल्स मतलब ये क्लाउड नहीं बनाती है डायरेक्ट किस चीज़ में चेंज हो जाती है जो हवा के अंदर वाटर पेपर है या जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है आइस क्रिस्टल्स के अंदर लेटर दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इंटू फ्लैक्स ऑफ स्नो डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड मतलब क्या करते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फ्लैक्स ऑफ स्नो के अंदर डायरेक्ट मतलब इसमें यहाँ पर चेंज नहीं होता जनरली क्या होता है कि वाटर वेपर पहले क्लाउड बनेगा फिर रेन होगी और रेन होने के बाद ही उसकी हार्ड स्टेज मतलब सॉलिड स्टेज में आता है बर्फ़ बनती है लेकिन यहाँ क्या होता है कि गैस से डायरेक्ट वो आइस में बदल जाता है मतलब सॉलिड में बदल जाता है और बीच में लिक्विड वाला जो प्रोसेस था वो स्किप हो जाता है ये स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल होने का रीज़न क्या है कि एकदम से जो टेम्परेचर था वो घट गया एकदम से टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया और बूंदों में कन्वर्ट होने की बजाय वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया जनरली हम देखते हैं स्नोफॉल होता है जैसे मनाली में कभी घूमने जाओ बर्फ़ पड़ी हुई होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है वो जो स्नोफॉल होता है ऐसे नहीं पत्थर की तरह सिर में लग रही स्नोफॉल बहुत लाइट होती है क्योंकि वो क्या है एयर के साथ वो फॉल हो रहा है और उसके अंदर आइस बनने से पहले जो लिक्विड बनना था वो नहीं बना इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होती हैं हेल

फ्रोज हो जाते हैं ये और अपवर्ड एयर करंट की वजह से वो वापस ऊपर की तरफ जाते हैं दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द रेन ड्रॉप्स मे अकर सेवरल टाइम्स व्हेन द वेट ऑफ फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स हैवियर देन दिस अपवर्ड थर्स्ट ऑफ एयर देन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ हेल्स टोम जो ओले पड़ना जिसे कहते हैं तो ओले पड़ना कैसे ओले बहुत भारी होते हैं पत्थर जैसे तो वो क्या है वो किस वजह से हुए क्योंकि पहले जो स्नोफॉल होती है वो लाइट वेट होती है लेकिन यहाँ पर हवा के के अपवर्ड uh, मूवमेंट की वजह से बहुत तेज हवाओं की वजह से आंधी की वजह से ये बहुत ही फ्रोजन हो जाते हैं और हेवियर होकर नीचे गिरते हैं हेलस्ट्राम हैव द पोटेंशियल टू कॉज इमेंस डैमेज टू क्रॉप्स क्या होता है क्योंकि हेल स्ट्रॉम जो ओले पड़ते हैं बहुत ही भारी होते हैं तो जब वो नीचे गिरते हैं तो भारी हैं तो जरूर किस कहीं ना कहीं तो डैमेज करेंगे तो जहाँ भी गिरते हैं ज़्यादातर अगर क्रॉप्स के पास एनिमल्स या ह्यूमन बींग के ऊपर गिरते हैं तो नुकसान करेंगे दे अकर मोर ऑफन इन समर बट रेयरली इन विंटर्स गर्मियों में तो ओले पड़ रहे हैं देखे जाते हैं लेकिन विंटर्स में बहुत कम दे बिगिन टू फॉल ऑन ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ रेन रेन की तरह गिरना शुरू हो जाए जैसे रेन बहुत तेज़ी से गिरती है ना उसी स्पीड में ये हेल स्टोन्स जो है बाहर नीचे गिरना शुरू होते हैं बट दीज आर सर्टेन कंडीशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स लेकिन वहाँ कुछ हैं ऐसी कंडीशन जो रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाए देयर शुड बी इवेपोरेशन रेनड्रॉप्स कब बन सकती हैं अगर वहाँ पर इन्वेपोरेशन हो रहा है देर शुड भी कंडेंसेशन कंडेंसेशन भी होना चाहिए एंड देर शुड बी जस्ट डस्ट पार्टिकल इन द एयर मतलब इवेपोरेशन हो कंडेंसेशन हो और एनवायरनमेंट के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होने चाहिए टाइप्स ऑफ रेनफॉल को डिस्कस करते हैं तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल के अंदर कौन कौन सी रेनफॉल होती है सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलीफ रेनफॉल रिलीफ का मतलब होता है जो हाइट पे हमारा जो फॉर्म ऑफ लैंड है वो क्या है तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेनफॉल इट अकर्स वेन द मॉइस्चर लैड एंड विंड आर स्टॉप्ड बाय अ हाई माउंटेन रेंज दे राइज अप हायर एक्सपेंड एंड बिकम कूल इट ब्रिंग्स हैवी रेन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड द रिलीफ रेनफॉल द रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया और ऑन द सदन स्लोप ऑफ द हिमालयाज़ आर एग्ज़ाम्पल ऑफ रिलीफ रेनफॉल पहाड़ों में जो बारिश होती उसको है उसको रिलीफ रेनफॉल कहते हैं और ये कैसे होती है यहाँ पर क्या हुआ जब रेन कहीं से हवाएं बहकर आईं बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आईं और क्या करेंगी पहाड़ों से टकरानी टकराने के बाद वो हवाएं थोड़ी सी ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने पर क्या होता है पहाड़ों पर ठंडक ज़्यादा ठंड होती है मॉस् जो टेम्परेचर है वो लो होता है वहाँ जाकर वो कंडेंसेशन होता है उनका और फिर वहाँ बारिश होती है तो मान लो अगर इसको मैं समझा देती हूँ विंड वार्ड साइड और लीवर्ड साइड दो चीज़ होती है पहाड़ के अंदर कि वहाँ जहाँ पर टकराएंगी हवाएं वहाँ बहुत तेज बारिश करेंगी और फिर हवाएं जब हल्की हो जाएंगी फिर ऊपर उठ के माउंटेन को पार करके दूसरी तरफ बारिश करेंगी तो दूसरी तरफ बारिश नहीं करती है क्योंकि एक ही तरफ उन्होंने बारिश कर दी है इसका एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है दिखाया हुआ है डायग्राम के थ्रू ये है हमारी रिलीफ रेनफॉल अब देखो यहाँ से मॉइस्चर लिया हवा ने और उड़कर ऊपर की तरफ गई यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ कंडेंसेशन हुआ और बादल बनाकर बारिश यहीं हो गई सारी अब यहाँ से ये यह हवाएं खाली हो गई इन्होंने अपना सारा पानी खाली कर दिया अब हवाएं वापस इस तरफ जाने लगी तो इस तरफ जाएंगी तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी क्योंकि बारिश यहाँ पर इन्होंने अपना सारा मॉइस्चर गिरा दिया अब दूसरी साइड गई तो दूसरी साइड कोई बारिश नहीं हुई पहाड़ के तो इसको हम कहते हैं रेन शेडो एरिया ये रेन शेडो एरिया है और ये यहाँ पर जो है हाई रेनफॉल एरिया है तो इसे इस वाले जहाँ पर हवाएं टकराती हैं इसको विंड वार्ड साइड कहते हैं और जहाँ से हवाएं पास हो जाती है इसको ली वार्ड साइड कहते हैं पीछे पीछे का हिस्सा जो माउंटेन का होता उसको है उसको ली वार्ड साइड कहते हैं तो ये समझ लेना रेन शेडो एरिया ज़्यादातर मुंबई में भी इस तरह की बारिश देखी जाती है पुणे में देखी जाती है द डेकन प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया इज लाइज इन द रेन शेडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट लीवर्ड साइड वेस्टर्न घाट में भी इस तरह का देखने को मिलता है कंपैरिजन किसके बीच में विंड वार्ड साइड में और ली वॉर्ड साइड तो मैंने अभी अभी बता दिया है आपको कि विंड वाड साइड क्या होता है और लीवॉट साइड होता है तो इसमें बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया है कि विंड वाड साइड ये होता है और ली वॉर्ड साइड ये विंड वाट साइड में ज़्यादा बारिश होती है ली वॉट साइड में बारिश नहीं होती है यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर क्या होता है मॉइस्चर मॉइस्चरलाइजर विंड्स आती हैं हाइयर उठती हैं कूल cool होती हैं और यहीं पर बारिश कर देती हैं लेकिन दूसरी साइड जो है हवाएं गर्म रहती हैं तो ये समझ आ गया होगा हवाएं कन्वेंशनल रेनफॉल अप टू दूसरा जो टाइप ऑफ रेनफॉल है रिलीफ रेनफॉल के बाद दूसरा है कन्वेंशनल रेनफॉल इट अकर्स इन द रीजन ऑफ अर्थ ऑन द और ऑन नियर द इक्वेटर इन द इक्वेटोरियल रीजन द एयर बिकम हॉट ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट द हॉट एयर एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर बिकॉज ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन तो कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है जनरल जो बारिश होती है ना वो जैसे इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे क्या हुआ इवेपोरेशन हुआ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी इवेपोरेशन हुआ कंडेंसेशन हुआ क्लाउड बनाया और बहुत गर्मी की वजह से क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो ऊपर उठती हैं हवाएँ और मॉइस्चर को लेकर बहुत भारी अमाउंट में उसका आ, बारिश करती हैं तो ये जो बहुत हैवी बारिश होती है ना बहुत तेज़ झमाझम जम बारिश जो होती है ना कभी कभी होती है बहुत तेज उसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं क्योंकि ये गर्मी में गर्मियों के सीजन में और सनलाइट से हीट लेकर इवेपोरेट होती हैं और ज़्यादा मॉइस्चर लेकर तेज़ बारिश करती हैं कंडेंसेशन एंड इट्स टाइप्स कंडेंसेशन को पढ़ लेते हैं कंडेंसेशन अभी हमने पीछे पढ़ा उसके अंदर दो चीज़ स्नो और हेल को पढ़ा अब हम पढ़ते हैं कि कंडेंसेशन के टाइप्स क्या हैं तो पहला है क्लाउड कंडेंसेशन का सबसे अच्छा और पहला टाइप जो है वो क्लाउड होता है सबसे ज़्यादा जो जनरली देखा जाता है क्या होता है हवाएं जब ऊपर उड़ती उठती हैं मॉइस्ट होकर हवा ऊपर आसमान में तो वहां जाकर ठंडी हो जाती है क्योंकि आसमान में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है कम होता चला जाता है वेन द टेम्परेचर ऑफ़ एयर रीचेज द ड्यू पॉइंट और जब ड्यू पॉइंट पर पहुंचता है तो वाटर वेपर कंडेंस होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स को जो आइस क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर देती है और दीस टाइनी ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द डस्ट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं इनके अंदर और ये एक साथ जुड़ जाते हैं और वो क्लाउड की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं दीज क्लाउड्स कॉज रेन बारिश होती है इसकी वजह से आगे बढ़ते हैं फॉग फॉग क्या होता है अनलाइक द क्लाउड्स अब मौसम चल रहा है ये मौसम जो ये वाला मौसम है इसमें फॉग हमें देखने को मिलता है सुबह सुबह कोहरा होता है ना तो वो जो फॉग है अनलाइक द क्लाउड्स फॉग इज फॉर्म्ड टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑल दो द सेम प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड क्लाउड क्लाउड फॉर्मेशन फॉग का और क्लाउड का सेम ही होता है लेकिन फॉग इज फॉर्म्ड वेन द मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन बिलो इट्स ड्यू पॉइंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो क्लाउड बनते हैं क्लाउड क्या होते हैं हवा में ऊपर बनते हैं जाके ऊपर बनेंगे मतलब नीचे तो गर्मी है तो ऊपर ही जाएंगे ऊपर ठंडे होंगे लेकिन सर्दियों के मौसम में क्या होता है जैसे थोड़ी सी गर्मी दिन में मिली थोड़ी सी गर्मी मिलने पर ही जो हवा मॉइस्ट हुई थी वो रात होते होते बहुत ऊपर लेटिट्यूड में नहीं जा पाती क्योंकि ठंड है तो वो नीचे ही रह जाती है और सुबह हमें फॉग की फॉर्म में दिखाई देती है तो वो एक तरह के समझ लो बादल ही हुए ठीक है और ज़्यादातर फॉग कहाँ बनती है जहां पर समुद्र में दो तरह की करंट जहां पे दो तरह की समुद्र की करेंट्स मिलती हैं कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स जब मिलेंगी तब भी फॉग बनता है इट अकर्स इन द ओशन एंड वेरी डेंजरस फॉर द शिप ये जब ओशन में बनती है ओशन के अंदर इस तरह की फॉग होती है तो वो बहुत ही डेंजरस होती है शिप्स के लिए क्योंकि शिप अपने जो है रास्ते भूल जाते हैं और उनको दूर दूर तक समझ नहीं आता है कि ट्रैवल किस डायरेक्शन में करना है कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ड्यू क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम एवरी थिंग ऑन द अर्थ गेट्स हीटेड दिन के टाइम क्या होता है अर्थ पे सारी चीज़ें गर्म होती हैं लेकिन रात में क्या है रेडिएट हो जाती है हीट एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यू टू सन रेज प्लांट्स ट्रीज एंड ग्रासेज रेडिएट हीट मोर क्विकली एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं और जो ग्रास होती है वो क्या है बहुत तेजी से कम जो है रेडिएट करती है गर्मी को प्लांट्स ट्रीज एंड ग्रासेज आर गुड रेडिएटर्स रेडिएटर्स का मतलब होता है ट्रांस जो करते हैं एक दूसरे की तरफ दे कूल डाउन मूव क्विकली एज वेल और ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं वेन द व एंड मॉइस्ट एयर जब गर्म और मॉइस्ट एयर आती है इन द कॉन्टेक्ट विद दैम इन प्लांट्स और ट्रीज़ के कॉन्टेक्ट में जब ये एयर आती है द मॉइस्चर इन द एयर कंडेंसेज इन टू टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या होता है जो मॉइस्चर था वो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स मतलब बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स में पानी की बूंदों में बदल जाता है ग्रासी ग्राउंड पर और वो हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देने लग जाती हैं दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर नथिंग बट ड्यू ये छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं इन्हें ड्यू कहते हैं द ड्यू फॉल्स ओनली ऑन काम कोल्ड एंड क्लियर नाइट्स तो कब होता है जब मौसम एकदम शांत हो और ठंड हो साथ में ही मौसम जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए शांत होना चाहिए और आसमान एकदम साफ़ होना चाहिए तो ड्यू भी समझ आ गया होगा आगे पढ़ते हैं फ्रॉस्ट वेन द ड्यू ड्रॉप्स गेट फ्रोजन ड्यू टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर अब जो ड्यू गिरा था जो पानी की छोटी छोटी बूंदे पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरी थी घास पर गिरी थी अगर बहुत टेम्परेचर रात को कम हो गया बहुत ही कम तब क्या होगा वो फ्रोज हो जाएंगी फ्रोज़ होने के बाद इनको फ्रॉस्ट कहते हैं जब बिल्कुल जम जाती हैं तो इनको फ्रॉस्ट कहते हैं इट अकर्स वेन द ड्यू पॉइंट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट से भी नीचे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए तो इसमें बनता है ड्यू फॉर्मेशन द ड्यू पॉइंट इज़ अबव द फ्रीजिंग पॉइंट और ड्यू फॉर्मेशन और ड्यू पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किया था अब पढ़ते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बीच में कंपेरिजन ओह ये तो बड़ा ईजी है इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है इवेपोरेशन के अंदर हवाएं जो ए, moisture है मॉइस्चर लेकर ऊपर उठती हैं गर्मी की वजह से और मॉइस्चर uh, हवा के अंदर रहता है वो कोई डेंस फॉर्म में नहीं होता इट अकर्स वेन द वेदर इज हॉट ड्राई एंड विंडी हवाएं हो गर्मी हो और मौसम ड्राई हवाएं ड्राई भी होनी चाहिए इट्स रेट इज़ हायर इन द लोअर लेटिट्यूड जहाँ गर्मी होती है लोअर लेटिट्यूड्स में वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और ठंड में इवेपोरेशन कम होता है ड्यू टू इवेपोरेशन द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है अर्थ पर सरफेस पर जो है क्या है वाटर का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है कंडेंसेशन में क्या होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या होता है जो वाटर वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती हैं इट अकर्स वेन द टेम्परेचर ऑफ द सेचुरेटेड एयर गोज डाउन बिलो द ड्यू पॉइंट कब होता है ये कंडेंसेशन जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाए इट्स रेट इज हायर इन इन द लेटिट्यूड्स इसका जो हायर लैटिट्यूड्स में जो रेट है वो ज़्यादा होता है इसमें थोड़ा सा इन्होंने लिखना भूल गए शायद मिस प्रिंट है इट्स इट्स रेट इज़ हायर इन द लैटिट्यूड्स ऑफ हायर मतलब जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर इन कंडेंसेशन द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज कंडेंसेशन से क्या होता है बारिश होती है तो बारिश की होने की वजह से पानी की मात्रा बढ़ती है प्रेसिपिटेशन क्या होता है वेन अ कंडेंस्ड वाटर वेपर फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द स्नो हेल एक्सेट्रा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन जब कंडेंसेशन के बाद जो पानी या चाहे स्नो चाहे हेल या डी फॉग फ्रॉस्ट कुछ भी जब अर्थ पे आकर नीचे गिरते हैं उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं प्रेसिपिटेशन के टाइप क्या है रेन रेन प्रेसिपिटेशन का ही टाइप है इसमें क्या होता है क्लाउड जो है हाई जाते हैं और फिर नीचे की तरफ बारिश गिरा देते हैं ठीक है तो ये हो गया और भी ट्राइनी ड्रॉपलेट्स हैं कोलर कोल्डर रीजन में ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिरती हैं बींग हैवियर दे नो मोर रिमेन्स इन द पोजिशन ऑफ फ्लोट इन द एयर अगर भारी हो जाए हवाएं अगर क्लाउड हो जाए भारी तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक उस पानी को लेकर नहीं जा सकता तो उन्हें अपना जो है जहाँ भी टेम्परेचर लो होता है वहीं पर वो पानी गिर जाता है वैन इट राइजेज इट कॉज कन्वेंशनल एयर कंटेंट इट कूल्स डाउन इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर एंड कन्वेंसिस कंडेंसेशन टेक प्लेस वही कंडेंसेशन टेक प्लेस होता है वही प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है कि वैपरेशन हुआ एवेपरेशन के बाद कंडेंसेशन हुआ और जो पानी तेजी से नीचे गिरा लाइटनिंग के साथ और ठंडर के साथ उसको रेन कहते हैं तो ये प्रोसेस हो गया अब हम करते हैं वट इज साइक्लोनिक रेनफॉल इन द केस ऑफ अ साइक्लोन विंड फॉर्म्स फ्रॉम ऑल साइड्स रश टूवर्ड्स द लो प्रेशर इसमें क्या होता है हवाएं सेंटर की तरफ मान लो ये हवा है ये लो प्रेशर है हवाएं यहाँ पर बहुत गर्मी है लो प्रेशर है तो हवाएं सेंटर की तरफ़ आना शुरू करती हैं और एक चक्कर में घूमना शुरू करती हैं चक्कर मतलब इस तरह से चक्कर में हवाएं घूमना शुरू कर देती हैं तो ये क्या हो गया साइक्लोन समझ आ गया होगा इतना अगर वर्ड टू वर्ड बताऊंगी तो शायद ना समझ आए डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि सेंटर की तरफ हवाएं आती हैं और चक्कर लगाकर घूमने लगती है जिसको बवंडर की तरह कई बार आपने हवाएं देखी होंगी गोल गोल घूमती हैं हवाएं बवंडर की तरह तो वही साइक्लोनिक रेन वो विंड्स uh, होती हैं। तो सच मूवमेंट ऑफ विंड्स गेट अ सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में होता है और टेम्परेचर जो है बीच में सेंटर में बहुत ही तेजी से बढ़ता है मतलब बहुत गर्मी होती है cool ये जो हवाएं उठती हैं जो सर्कुलर मोशन में ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं कंडेंसेशन होता है और फिर बहुत ही तेजी से बारिश करती हैं दीज साइक्लोनिक रेन्स आर वेरी कॉमन इन देशर जोन और द मिड लेटीट्यूड्स दिस इज टेम्परेट जोन नॉट टेम्परेचर जोन दीज साइक्लोनिक रेन्स आर वेरी कॉमन इन टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन में मतलब इक्वेटर नहीं इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेट जोन में बहुत ज़्यादा इस तरह की हवाएँ होती हैं ये मिड लेटिट्यूड्स भी इनको कहते हैं वेयर द एयर कमिंग फ्राम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मीट द एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जब दो अलग अलग बेल्ट से हवाएँ एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो घूम जाती हैं जैसे क्या होता है मान लो ये हमारा इक्वेटर है इससे ऊपर हवाएं इधर से जा रही हैं और इधर से आ रही हैं तो क्या होगी ठंडी हवा और गर्म हवा बीच में यहाँ कुछ सेंटर बनाएंगे और फिर ये यह यहीं पर एक दूसरे के ऊपर घूम जाएंगी तो ये क्या है साइक्लोन बन जाता है अंडरग्राउंड वाटर इट्स इंपॉर्टेंस अब वाटर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे अर्थ के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है जिसे हम बोरिंग के थ्रू या मोटर के थ्रू पानी जो निकालते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर से ही आता है अंडरग्राउंड वाटर होता है वो मैंने ट्रेन सम अमाउंट ऑफ द रेन वाटर सीप्स डीप इनसाइड द ग्राउंड क्या होता है जब बारिश हुई तो पानी जो है ओशन के अंदर जो है ओशन से सॉरी जब वैपरेशन होता है वेपरेशन के बाद बारिश होती है कंडेंसेशन का पूरा प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन होता है कुछ भी तो बारिश के बाद कुछ जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारी अर्थ के अंदर चला जाता है सूख जाता है सीप हो जाता है और क्या होता है जब अर्थ के अंदर पानी स्टोर होता है तो हम लोग क्या है अंडरग्राउंड वाटर जो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन जब बारिश का मौसम होता है तब मैक्सिमम होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर क्यों क्योंकि तब बारिश के टाइम पर पानी जो है ज़्यादा सोखती है अर्थ इन ड्रॉट जो है जब सूखा हो जब बारिश का मौसम ना हो तब वाटर लेवल जो है डाउन चला जाता है इस तरीका का मौसम होता रहता है अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी यूजफुल टू प्लांट्स एंड मैनकाइंड बोध हम प्लाट्स के लिए भी बहुत जरूरी है और मैनकाइंड हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है और इम्पॉर्टेंस है अंडरग्राउंड वाटर की जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते तो डिस्कस कर लेते हैं इन द केसेस वेयर सरफेस वाटर इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल क्या है हमारे सरफेस पे जो वाटर है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है वी कैन गेट एक्सेस टू अंडरग्राउंड वाटर टू सेटिस्फाई अवर डोमेस्टिक नीड हमारी जो रोज रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं डोमेस्टिक नीड्स हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं अंडरग्राउंड वाटर से सप्लाई के वाटर से दिस वाटर कैन बी यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ वेरियस इंडस्ट्रीज में ये पानी यूज होता है लाइक like, पेपर क्लोथ डाइंग कपड़ों पर कलर करना पेपर बनाने में स्टील में इन सब में वी कैन इरीगेट अवर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिगिंग वेल्स कुएं खोद कर ट्यूब वेल लगा कर हम क्या है जमीन से पानी निकालते हैं और खेतों को सींचते हैं इरीगेट करते हैं अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स सेफ फ्रॉम इवेबरेशन सो इफ कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडरग्राउंड वाटर जो है सेफ uh, रहता है और इसको स्टोर किया जा सकता है बहुत लंबे टाइम के लिए जिसमें इवेबरेशन का प्रोसेस नहीं होता इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड सस्टेन ऑफ वेजिटेबल इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड सस्टेनेंस ऑफ वेजिटेशन ऑन द अर्थ क्या है ग्रोथ में हेल्प करता है और वेजिटेशन की ग्रोथ में और उनके उनको हमेशा बनाए रखने में सस्टेनेंस करने में हमारी जो है हेल्प करता है अंडरग्राउंड वाटर तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट वॉज सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप और इसके अलावा अगर कुछ कुछ छूट गया है या कोई वर्ड का मीनिंग पूछना है और एनी थिंग यू हैव डाउट हैव डाउट तो मुझे uh, पूछ लेना सो टिल देन रीड इट आउट हैव अ गुड डे